बेखौफ अंदाज बेपाक जबान। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान और बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। वैसे तो कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान ने भाजपा खेमे में खलबली मचा दी है। चूंकि राहुल गांधी ने एक्स हैंडल के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद रही स्मृति ईरानी को लेकर भावनाओं की चाशनी में लिपटी ऐसी बात कह दी जो जल्द ही से भाजपा नेताओं को हजम नहीं हो रही है, लिहाजा उन्होंने पलटवार तो कर दिया, लेकिन इन सब के बीच में गांधी का ईरानी के बचाव में उतरना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आप बने रहे न्यूज वन इंडिया के साथ। स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी का नया पैतरा, ईरानी के बचाव में आ गए राहुल गांधी, बोले किसी का अपमान करना कमजोरी की निशानी। राहुल के बयान पर भाजपा ने भी कर दिया पलटवार। वक्त कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता, और कब कोई इंसान अर्श से फर्श पर आ जाए इसका तस्वीर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इससे पहले कि आपको स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे राहुल गांधी के माजरे के बारे में बताएं, उससे पहले आपको फ्लैश बैक में लेकर चलते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उनके सरकारी बंगले को खाली करने पर भाजपा नेताओं ने उनको जमकर ट्रोल किया था। सोशल मीडिया के जरिए राहुल पर बयानों के बार किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनको नहीं बख्शा, जबकि राहुल सादगी के साथ सरकारी बंगले से बाहर आ गए, उनकी तस्वीरें भी सामने आई, जवाब कांग्रेस ने भी दिया। राहुल के सरकारी बंगले को खाली करने पर मेरा घर राहुल गांधी का घर करके अभियान चला दिया। अब वक्त का पहिया घूम गया है। 24 के चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी गांधी परिवार के सबसे करीबी केएल शर्मा से बड़े अंतर से चुनाव हार गए। अब नियम के मुताबिक स्मृति ईरानी ने सरकारी बंगला खाली किया तो उनको ट्रोल किया जाने लगा, लोगों ने भला बुरा कहा, उनको टारगेट पर लिया तो फिर राहुल गांधी उनके बचाव में आ गए। राहुल ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया और कहा कि जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और व्यवहार करने से बचें। इस दौरान राहुल गांधी ने लिखा, लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। लेकिन ये बात बीजेपी के नेताओं को हजम नहीं हुई। भाजपा नेता अमित मालवीय ने फौरन ही पलटवार किया और कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब बकवास है, बालक बुद्धि। राहुल को स्मृति ईरानी ने अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। खैर कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा में लगातार केंद्र सरकार को घेरने वाले और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राहुल गांधी इस बार स्मृति ईरानी का बचाव करके सियासी गलियारों में चर्चाएं आम है। तो कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में दमदार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बदले मिजाज से सब हैरत में। हो सकता है कि इसके पीछे की वजह अतीत का अनुभव रहा हो, क्योंकि जिस वक्त सदस्यता जाने और सरकारी बंगले को खाली करने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ट्रोल हुए तो उनके मन में यकीनी तौर पर टीस जरूर हुई हो। वो अलग बात है कि उन्होंने उस दर्द को उस वक्त बयां नहीं किया, लेकिन अब वक्त आया तो राहुल गांधी ने उस दर्द को अलग ही अंदाज में बयां करके स्मृति ईरानी का बचाव कर दिया, और इशारों ही इशारों में ये भी बता दिया कि जब आपको टारगेट किया जाता है तो दिल दुखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।